अडेप्टर ये रहा, माइक ये रहा और सारी चीजें इसके अंदर फिट हो चुके हैं गाइस। और हम चलते हैं नीचे। अब तो भाई कसम से इतना क्लियर आ रहा, बहुत ज्यादा फोर के। ये मेरे पापा है गाइस। राम राम, सबसे काल कैम छो सलाम भाई, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो गाइस आपने पहला ब्लॉग देखा होगा, यानी कि 26 सितंबर का ब्लॉग है और मैं गया हूँ GoPro Hero 11 खरीदने के लिए और मैंने खरीद लिया है और मैंने आपको बॉक्स ओपनिंग करके दिखाई थी। आज हम करने वाले हैं उसका कैमरा टेस्ट, क्या वाकई में ही उसका कैमरा एकदम आग लगाने वाला है, यानी कि फाड़ू है। तो आज हम उसका टेस्ट करेंगे और राइड पर भी टेस्ट करेंगे उसका और हम वैसे भी टेस्ट करेंगे। तो टेस्टिंग करने वाले हैं क्योंकि हमें इतनी चीज़ों के बारे में, GoPro के बारे में नॉलेज नहीं है। तो मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि GoPro जो ख़रीदा था मैंने 26 सितंबर को ख़रीदा था और आज है 19 अक्टूबर, तो इस GoPro ने बहुत खर्चा करा दिया है मेरा, मैं बता नहीं सकता। तो गाइस ये है मेरा GoPro Hero 11। तो ये तो मैंने ख़रीद लिया है और इसे लेने के बाद आपका कितने खर्चा होने वाला है, कितना नहीं, वो मैं आपको सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो आपको मोटो ब्लॉगिंग करने के लिए कितना खर्चा आएगा, कितना नहीं, वो सब बताऊंगा मैं आपको। और किस किस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी, किस चीज़ की नहीं, वो सब बताने वाला हूँ। बस वीडियो स्किप मत करना, पूरा देखना। अच्छा लगे तो लाइक करना, अच्छा ना लगे तो लाइक बिल्कुल भी मत करना। तो गाइस पास आओ मेरे और आके एक एक चीज़ को देखो कि सारी चीज़ें काम की हैं। और ये जो सारी चीज़ें का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा, कहां कहां से मैंने परचेज़ किया है, कहां कहां से नहीं। तो मैं आपको बताऊं, सबसे महंगी आइटम जो पड़ा है ना, आप यकीन नहीं करोगे, सबसे महंगा आइटम मैं आपको दिखाने वाला हूं। सबसे महंगा आइटम गाइस ये है और इसका मैं बॉक्स ओपनिंग पर दिखाऊँ तो इसका जो प्राइस है इतना है। अब देखिए, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें आप जाके चेक कर सकते हो और मैं लिंक मैंने आपको दे दिया है ऑलमोस्ट। और अगर आपको थोड़ा सा चाहिए कि थोड़ा हम कम बजट में, तो मैं आपको लोकेशन भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और एड्रेस सब कुछ डाल दूंगा। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। तो शुरुआत करते हैं इससे, यानी कि ये है हमारा मैन, ये बनाएगा हमको मैन हीरो। तो इसके हम करते हैं बॉक्स ओपनिंग, तो खैर हमने पहले से कर ली है पर आपको एक बार हम करके दिखा देते हैं। तो वाओ, तो गाइस इसकी बॉक्स ओपनिंग तो मैंने पहले ही कर ली थी, तो मैंने आपको सेट बना के दिखाया है। तो अब मैं इसको निकालता हूँ यहाँ से। तो गाइस ये है हमारा GoPro, तो अब हम इसको ऑन करने वाले हैं। ये ऑन हो गया है हमारा GoPro, आप देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप इसको नया लेके आओगे तो ये बिना इसके चालू नहीं होगा, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट इसके अंदर डाला हुआ है और इसके बिना बिल्कुल भी चालू नहीं होगा कैमरा। और सारी चीज़ें मैं अब इसका मैं सबसे पहले मैं आपको इसका कैमरा टेस्ट करता हूँ कि मैंने पैसे वेस्ट तो नहीं किए। और क्योंकि मैंने भी वीडियो इसकी YouTube से ही मैं इसकी वीडियो देखता था कैसा कैसा नहीं। तो आज मैं अभी इसका कैमरा टेस्ट करने वाला हूँ, तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में और एक एक चीज़ मैं आपको टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। गाइस मैं वीडियो शूट जो कर रहा हूँ 2.7K में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और मैंने इसका जो रखा हुआ है 60, यानी कि 60 वाइड। तो गाइस मैं वीडियो शूट जो कर रहा हूँ 2.7K में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और मैंने इसका जो रखा हुआ है 60, यानी कि 60 वाइड। तो मैं सब आपको स्क्रीन पर शो भी कर रहा होगा कि किसमें मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, किसमें नहीं, तो लिखा भी आ रहा होगा। तो ये है सबसे लो क्वालिटी। अब इससे थोड़ा चलते हैं हम ऊपर क्वालिटी में। तो गाइस मैं जो वीडियो जो शूट जो कर रहा हूँ ये है 5.3K और इसका जो मैंने रखा हुआ है FPS रखा हुआ है 60। तो गाइस इसकी आप क्वालिटी देख सकते हो और स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा। आप इसी है, ये है हीरो 11, इसकी आप क्वालिटी चेक कर सकते हो। तो अब हम इससे बढ़ते हैं एक पॉइंट ऊपर।
तो गाइस ये आ गया है तुम्हारा 1080 और MFS रख रखा है मैंने इसका 60। और आपको खुद शो हो रहा होगा कि वीडियो क्वालिटी में बहुत फ़र्क आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम चलते हैं 4K पे। तो गाइस ये है हमारा 4K और इसका MFS रख रखा है मैंने 60, आप देख सकते हैं। और ये 4K क्वालिटी तो एकदम बेहतरीन है, आप चेक कर सकते हो। और ये तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है और इसके फ्यूचर आग लगाने वाले हैं, जिसे बोलते हैं ना आग लगाने वाले हैं। तो ये था वीडियो टेस्ट और बाकी हम टेस्ट करते हैं अभी। तो गाइस ये है 4K सुपर से भी ऊपर वाइड एंगल, आप देख सकते हैं क्या क्वालिटी है, बवाल मचा देगी यार ये बवाल। तो गाइस मैंने GoPro का आपको कैमरा क्वालिटी आपको मैंने दिखा दी है और बाकी जो टेस्ट जो होगा हमारा बाइक से होगा और आगे ब्लॉग जो मिलेंगे इसी से मिलेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो गाइस अगर हमें मोटो ब्लॉगिंग के लिए सबसे पहले हमें इसकी ज़रूरत है, ये मेन मुद्दा है, इसके बिना बिल्कुल नहीं है। और फिर एक हमें अच्छा GoPro Hero 11, इससे बेहतर कोई क्वालिटी कोई दे ही नहीं सकता कैमरा, तो मेन चीज़ है ये। फिर एक ये बेस और इसके बिना तो वॉइस आना मुश्किल ही है। तो और ये है हमारा माइक। तो अभी मैं सेटअप करने वाला हूँ और मैं आपको बता दूँ सबसे पहले किस किस चीज़ की जरूरत पड़ने वाली है मोटो ब्लॉगिंग में, किस में नहीं। एक तो हमें ये लेना है 1, तो ये चीज़, 3 माइक अडेप्टर, इसके बिना मोटो ब्लॉगिंग अधूरी है गाइस, ये बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास आइटम कितने हो गए 4। और आप इसमें ऐड भी कर सकते हो और पांचवा हमारा ये है और पांचवा और छठा हमारा ये, इसके बिना अधूरा है। तो गाइस ये GoPro Hero 11 के साथ है, ये फ्री और ये मैंने परचेज जो किया है ना, ये मैंने किया है रिलायंस से किया है। और ये मैंने जब ये लॉन्च हुआ था तो मैंने कॉल कर दिया था, 15 दिन पहले ही मैंने बुक कर दिया था गाइस मैंने इसको। गाइस हमने अपना मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप एकदम ओके कर लिया है, आप देख सकते हैं मोटो ब्लॉगिंग का माइक ये रहा, यानी कि सॉरी अडेप्टर ये रहा, माइक ये रहा और सारी चीज़ें इसके अंदर फिट हो चुके हैं गाइस। और हम चलते हैं नीचे मोटो ब्लॉगिंग पे, टेस्ट करते हैं इसका व्यू क्या आता है क्या नहीं, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। तो गाइस ये हमारा 4K भाई, इसका तो बहुत ही तगड़ा व्यू आ रहा है, ले डाल दे ले जगह डाल फटाफट, काफ़ी तगड़ा व्यू आ रहा है इसका तो 4K है। जल्दी बैठ 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 ना भाई, GoPro का तो अलग ही वो आ रहा है। तो गाइस हमने अपना घर का कूड़ा डाल दिया है
और ये है वाइट एंगल सारा। अभी हम निकल रहे हैं घर की तरफ यानी कि दुकान की तरफ। तो शायद फर्स्ट टाइम मैं शूट करके देख रहा हूँ इसका कि क्या है क्या नहीं मोटो ब्लॉगिंग। अगर गाइस कहीं दिक्कत आ रही हो, कहीं कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो, आप हमें बता देना और हम चलते हैं अपनी दुकान की तरफ। बल्ले बल्ले ना। तो गाइस ये है मेरी बसंती, इसके बिना मोटो ब्लॉगिंग अधूरी है। तो गाइस ये जो है ये मेरी जस्ट सोसाइटी के जस्ट पीछे वाला रोड है। तुम बिन जाऊं कहां के दुनिया में तुम सा कोई हंसी कहां। अब चलते हैं गाइस हम अपनी वाली दुकान पे, यानी कि अपनी मार्केट के अंदर है दुकान हमारी। और आप देख सकते हैं मैं इधर भी मोड़ने वाला हूँ भाई। गए बाइक 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 बाइक। तो मैंने कर लिया है, ये मेरी मार्केट का है आप देख सकते हो। अगर गाइस वॉइस अच्छी आ रही हो तो लाइक कमेंट जरूर करना, ठीक है। फर्स्ट टाइम ब्लॉगर, ये गाइस हमारे बड़ोसों की दुकान है और मैं फिर से आ गया हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं फिर से आ गया हूँ और ये मेरा भाई है सामने। अब तो भाई कसम से इतना क्लियर आवा बहुत ज़्यादा फोर के। ये मेरे पापा है गाइस। तो चलते हैं फिर आते हैं अभी। काफ़ी फाड़ा व्यूज आ रहा है और ये मेरे पापा थे। ये भैया ये तो भैया अलग ही लग रहा है, इसका तो बाइक भी अलग ही दिख रही होगी आपको इसमें तो। हाँ भूसा सर भी अलग ही नज़र आती है। अगर मैं कुछ दिन बाद अगर भगवान की दुआ से या कुछ आप लोगों का प्यार हुआ तो मैं जल्दी एक सुपर बाइक लेने वाला हूँ, यानी कि वो जहाँ बाइक नहीं जाती वहाँ वो चली जाती है, आप लोग देख सकते हो। और मैं इस टाइम जो चल रहा हूँ अपने घर की तरफ और देखते हैं, नहीं मम्मी को अभी डॉक्टर के पास लेके जाना है। मज़ा नहीं आ रहा। पहले हम घर पे चलते हैं ऋषि, पहले हम इसका टेस्ट करके और एक बार और देखेंगे कि क्या इसका वो आ रहा है क्या नहीं है ना। तो गाइस यहाँ पे हॉर्न इसलिए मारना पड़ता है क्योंकि कहीं से भी गाड़ी टपक जाती है। तो गाइस ये आ गया है तुम्हारे भाई की बाइक की जो पार्किंग जो होती है हमारी खड़ी बाइक वो बाइक वो बाइक वो बाइक वो बाइक वो बाइक बाइक। तो गाइस चलते हैं फिर हम ऊपर। मोटो ब्लॉगिंग एकदम शूट हो गया है और शायद मुझे नहीं पता कि उसमें वॉइस कैसी आ रही कैसी नहीं। अगर आपको वॉइस अच्छी आ रही हो या थोड़ी सी दिक्कत कमी आपको लग रही हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं गाइस। और ये है हमारा मोटो ब्लॉगिंग, तो मैं तो इससे बेहतर करने की कोशिश और करूँगा क्योंकि अभी मुझे भी नहीं पता इसके फ्यूचर क्या है क्या नहीं। तो अभी मैंने आपको दिखाया कि इसका वीडियो क्वालिटी और इसमें जो हैं मतलब 10 से अच्छे फ्यूचर दे दिए हैं इससे। तो गाइस अगर आपको मेरा ब्लॉग और मेरा सेटअप पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैं हाँ एक चीज़ और, इसका प्राइस आपके दिमाग में ही चल रहा होगा कि ये पूरा सेटअप कितने में पड़ा कितने में। तो गाइस GoPro आप परचेज कर सकते हो, ये GoPro जो लगभग पड़ेगा ये 50 से ऊपर पड़ेगा GoPro। और इसका पूरा जो सेटअप जो पड़ेगा ये 80 क्रॉस कर देगा, यानी कि 80,000 के आसपास पूरा सेटअप बैठेगा। ये मेरा 80,000 के आसपास जाके सेटअप बैठा है। और इसका ये सेटअप जो है अभी सेटअप ये 1,00,000 क्रॉस करेगा क्योंकि इसकी एक्सेसरीज तो अभी आई भी नहीं है क्योंकि मैं मेन चीज़ लेके आया हूँ। इसका एक्स्ट्रा बैटरी और मोटो जो हम पकड़ने वाले हैं वो बहुत सी ऐसी इसकी एक्सेसरीज हैं जो हम लेके नहीं आए हैं, तो हम अब इसकी मेन चीज़ लेके आए हैं। तो गाइस
अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब जरूर करना, और नेक्स्ट ब्लॉग जो आपको मिलेगा ओनली गो प्रो। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। राम राम, सत श्री अकाल, कैम छो, सलाम अलैकुम, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।